हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच प्रीव्यू। आईपीएल टी20 का ये 39th मैच खेला जाने वाला है कल शाम को 7:30 बजे। तो यहाँ पर इस प्रीव्यू में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वेदर रिपोर्ट क्या रहेंगे, साथ में पिच रिपोर्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, कौन कौन से प्लेयर इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कौन कौन से प्लेयर अभी रिसेंटली अच्छा फॉर्म पर है, स्मॉल लीग के लिए आपके लिए कौन कौन से प्लेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में दोनों की तरफ से, यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का चॉइस हो सकता है, उसके साथ यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए प्लेयर बैटल वो देखेंगे हम, साथ में एक स्मॉल लीग का डेमो टीम भी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप वीडियो को पूरा के पूरा देखिए पहले से लेकर एंड तक, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर हमने डेप्थली समझाने वाले हैं आपको। तो अगर आपके पास एक भी पॉइंट मिस हो गए तो आपको टीम बनाने के टाइम बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए हम आपके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको फाइनल टीम चाहिए जिस टीम के साथ हम खेल रहे हैं और लगातार विनिंग हो रहा है आईपीएल में, तो वो टीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। आप जाइए टेलीग्राम ऐप पर, वहाँ पर सर्च कीजिए @TarkatInFantasy लिख के, वहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और आसानी से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलते हैं अभी मैच की तरफ। यहाँ पर पहले हम देखेंगे पिच रिपोर्ट यहाँ पर क्लियर रहने वाले, वेदर तो बिल्कुल क्लियर है। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इस बार आईपीएल हो रहा है 4 ग्राउंड्स में, तो हर एक ग्राउंड पर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पिच रहने वाला है, लेकिन कौन सी पिच पर मैच हो रहा है ये बात आपको मैं टॉस से 5 या 7 मिनट पहले पता लगेगा, तो वो बात हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। तो एक बात यहाँ पर सुन लीजिए कि लास्ट जो 2 मैच था यहाँ पर पुणे पर, 2 मैचेस कैंसिल हो गए, क्योंकि देखिए एक तो दिल्ली के स्क्वाड में यहाँ पर कोविड का जो पॉजिटिव केसेस हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर 2 मैच यहाँ पर कैंसिल हो गए। फिर एक स्टार्ट हो रहा है, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर जो ऑडियंस है उसकी जो संख्या वो कम कर दिया जाएगा, तो ऐसे करके यहाँ पर मैच हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए पिच कैसा रहेगा, यहाँ पर जो हमारा मोतेरा का जो स्टेडियम है ब्लैक सोल का पिच रहता है वहाँ पर, तो वैसा ही यहाँ पर पिच रहने वाला है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, स्क्वायर एंड स्ट्रेट बाउंड्री बोथ बाउंड्री यार यहाँ पर छोटे रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो छोटा रहेगा और साथ में यहाँ पर जो स्क्वायर बाउंड्री है वो भी छोटा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहने वाले हैं। एवरेज स्कोर की बात कर ले थोड़ा सा, यहाँ पर 165+ रहता है, मतलब 170 से 180 तक यहाँ पर स्कोर जा सकता है। लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं, यहाँ पर पेसर ने 39 विकेट निकाला है, स्पिनर ने 18 विकेट निकाला है, तो स्पिनर ने यहाँ पर बेसिकली सेकेंड इनिंग्स पर ज़्यादा विकेट निकालते हैं यहाँ पर कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स, और यहाँ पर लास्ट 8 मैचों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 4 बार जीता है, मतलब यहाँ पर टॉस उतना मैटर नहीं करता है, चेजिंग भी होता है और साथ में डिफेंस भी होता है। तो चलते हैं यहाँ पर हेड टू हेड स्टैट्स की तरफ। बेंगलोर और राजस्थान के बीच अभी तक टोटल यहाँ पर देखिए 26 मैच खेला गया है, उनमें से यहाँ पर बेंगलोर ने जीता है 13 और राजस्थान ने जीता है 10 और 9 रिजल्ट रहा है 3 मैच, मतलब अबैंडन्ड हो गए शायद कुछ कारण से बंद हो गए। तो ये रही हेड टू स्टैट्स। अभी चलते हैं यहाँ पर प्रोबेबल पिक्स की तरफ। देखिए बेंगलोर की जो प्रोबेबल पिक्स रहने वाले हैं, अनुज रावत 5% ओपन करेंगे। देखिए एक बात, अनुज रावत अच्छे फॉर्म पर नहीं है, मतलब एक मैच में 60+ रन बनाया था, उससे उसको छोड़ के और कोई भी मैच में अच्छा फॉर्म पर नहीं दिखा, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर सकता है टीम और कोई एक दूसरा ओपनर को खिला सकता है। और यहाँ पर बात करते हैं 5 डुप्लेसी, अच्छे टच पर है लेकिन लास्ट मैच में बहुत ही जल्दी आउट हो गए 5 रन पर। वहाँ पर बात करते हैं विराट कोहली की, रिसेंटली लास्ट 2-3 मैचों में डक चल रहा है, लेकिन विराट कोहली है कुछ भी कर सकता है इस मैच में, मेरे हिसाब से अच्छा करना चाहिए, इनको कमबैक करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 4 की, यहाँ पर मैक्सवेल एक अच्छे टच में दिख रहा है और 25+ एवरेज लेके अभी इस साल मैच इनका चल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा कर सकता है। प्रभुदेसाई यहाँ पर नंबर 5 पर आएंगे, सुयश प्रभुदेसाई अच्छे हीटर है, यंग प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से अच्छे कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए स्मॉल लीग पर उतना इफेक्टिव नहीं रहने वाले। शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक हर मैच में, जिस मैच में टॉप ऑर्डर फेल हो जा रहा है तो वहाँ पर शाहबाज अहमद और कार्तिक आके यहाँ पर इनिंग्स को संभाल रहा है, सिवाय यहाँ पर लास्ट मैच, क्योंकि देखिए लास्ट मैच में शाहबाज ने थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक आके ही विकेट देकर चला गया डाक पे। देखिए कार्तिक हर मैच में ही परफॉर्म करते हैं, तो इससे मतलब ये नहीं है कि ये हर टाइम चलेगा, लास्ट मैच में जैसा कि बहुत ही एक बढ़िया बॉल में से आउट होकर चले गए।
बात करते हैं यहाँ पर हसरंगा की, बहुत ही बढ़िया बॉलर है लेकिन लास्ट कुछ मैचों में इनको विकेट्स लगातार नहीं मिल रहा है। नंबर 9 पर यहाँ पर आपको देखने वाले हेजलवुड, हर मैच में ही 1, 2, 3 करके विकेट ले रहा है। लास्ट 20 मैचों में से मेरे हिसाब से शायद लास्ट मैच में ही विकेट लेस गए, नहीं तो ये कोई भी मैच में विकेट लेस नहीं जाते हैं। हर्षल पटेल की बात करें लास्ट मैच में 1 विकेट मिले, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। सिराज की बात करें उतना ज़्यादा विकेट्स नहीं ले रहा है, तो इसलिए इसका आप देख सकते हैं डिमिनर वहाँ पर 8.5 से क्रेडिट यहाँ पर गिरा कर 8 कर दिया है। तो ये रहेगा बेंगलुरु की जो प्रॉब्लम प्लेइंग सही विथ रिसेंट परफॉर्मेंस। बेंगलुरु की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छा रह सकते हैं एक बार देख लीजिए स्मॉल लीग पर। फाफ डू प्लेसी है, विराट कोहली है, मैक्सवेल है, दिनेश कार्तिक, हसरंगा, हेजलवुड, हर्षल, तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें से आप चाहे 6, 5, 4 और 7, तो आप जिस नंबर का यहाँ पर प्लेयर्स आपको चाहिए स्मॉल लीग में आप उस नंबर यहाँ पर पिक कर सकते हो। चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, मतलब कुछ अलग ही फॉर्म पर चल रही है ये टीम अभी तक इस साल। बटलर इनकी तो फॉर्म की कोई बात ही नहीं किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हर मैच में ही 60+ स्कोर कर रहा है, 100 अभी तक मेरे हिसाब से 300 लगा चुके हैं, तो इस मैच में भी अच्छा कर सकता है। सामने है यहाँ पर 2 पर दिवदूत पाडिकल है, ये भी आज लास्ट मैच में अच्छा खेला, 50+ स्कोर करके गए। सैमसन आके ही 20 बॉल पे यहाँ पर 46 रन बनाकर गए। हेडमेयर ये तीनों अगर चल जाए और थोड़े बल बचे रहे तो वहाँ पर हिटमेयर आ जाते हैं करुण नायर से पहले, तो आके थोड़ा हिटिंग कर लेते हैं। नंबर 5 पर यहाँ पर आएंगे करुण नायर, नंबर 6 पर रियान पराग, नंबर 7 पर अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 1-2 विकेट हमेशा के लिए निकल रहा है। चाल की बात करें हर मैच में विकेट निकल रहा है। ट्रेंट बोल्ट ये भी अच्छे कर रहा है, लास्ट 1-2 मैचों में यहाँ पर चोट के कारण ये इसको विकेट्स नहीं मिली लेकिन लास्ट मैच में फ्लो में आ गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ये भी लास्ट मैच में 3 विकेट निकल कर आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्मॉल लीग पर। रॉबर्ट मैकॉय की बात करें डेथ में बॉलिंग डाल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देख लीजिए एक बार राजस्थान की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छा रह सकता है। बाटलर है, पाडिकल है, सैमसन है, हिटमेयर है, बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और चाल, तो ये जो 7 प्लेयर्स यहाँ पर इसमें से आप 5, 6, 4, 7 जितना आपको चाहिए आप पिक कर सकते हो, क्योंकि देखिए हर एक प्लेयर यहाँ पर बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी टीम के लिए। अभी एक बार देख लीजिए राजस्थान और बेंगलुरु की तरफ से कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर डेथ में बॉलिंग कर सकता है। देखिए यहाँ पर राजस्थान की तरफ बोल्ट है और मैकॉय है, यहाँ पर चहल भी एक आध बार डाल सकते हैं, और बेंगलुरु की तरफ से यहाँ पर देखिए हर्षल है, हेजलवुड है, और कभी कभी हसरंगा की एक आध बार यहाँ पर डाल सकते हैं डेथ में। तो अभी चलते हैं यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया सेक्शन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है, जो कि प्लेयर बैटल। देखिए विराट कोहली के स्ट्रगल हमेशा के लिए लेफ्ट आर्म पेस फास्ट बॉलर के सामने है, जैसा कि आप यहाँ पर देखने वाले ट्रेंट बोल्ट को, ट्रेंट बोल्ट के सामने विराट कोहली ने 4 बार आउट हुए यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसलिए ये बैटल आपके लिए बहुत ही बढ़िया मैचअप बन सकता है। यहाँ पर बटलर की बात करें मैक्सवेल के सामने 2 बार आउट हुए, इसको छोड़ के बटलर की किसी भी प्लेयर के सामने उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। सैमसन की बात करें हसरंगा के सामने 3 बार आउट हुए लास्ट ईयर जो श्रीलंका टूर में गए थे इंडिया टीम, वहाँ पर वो उसकी ये स्टैट है। हेडमेयर की बात करें हेजलवुड के सामने 3 बार आउट हुए हैं। फाफ डू प्लेसी यहाँ पर बोल्ट के सामने 5 बार लगातार आउट हुए हैं आईपीएल में ही। फाफ डू प्लेसी को अश्विन ने 3 बार आउट किया है आईपीएल पर। विराट कोहली की बात हमने कर लिया है, बोल्ट के सामने 4 बार आउट हो गए हैं। मैक्सी यहाँ पर देखिए बोल्ट के सामने 5 बार आउट हो गए, मतलब बोल्ट यहाँ पर आपके हर जगह आप देखने वाले हैं। यहाँ पर बोल्ट देखिए बोल्ट और हमेशा के लिए बोल्ट यहाँ पर परेशान करते हैं आरसीबी को, तो इसलिए बोल्ट आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है। आप चाहे तो इसको ग्रैंड लीग्स पर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो चलते हैं अभी फैंटेसी टिप्स की तरफ, जो हमने हर वीडियो में ही बताते हैं कि दोनों टीम्स का डेथ बॉलर्स को पिक कीजिए, क्योंकि देखिए डेथ बॉलर्स की चांसेस रहते हैं पावर प्ले में 1-2 ओवर डाल जाए, साथ में डेथ में 1-2 ओवर डाल जाए, तभी जाकर बहुत ही फायदा हो सकता है कि डेथ ओवर में इनको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स मिले और आपको आपके टीम को वन साइडेड लेके जाए एज ए ग्रैंड लीग में। तो यहाँ पर रोटेशन की बात करें, आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो 20 टीम के साथ, 2 करोड़ वाली लीग, 1 करोड़ वाली लीग, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप 11 प्लेयर्स को लेकर 11 सेफ प्लेयर्स को लेकर पहले एक स्मॉल लीग का अच्छा सा टीम बनाओ, उसमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन, नहीं तो यहाँ पर 1-2 प्लेयर्स को रोटेशन करते रहो। देखो पहले आपको मैच प्रेडिक्ट करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर नंबर 3 पर लिख के रखा है कि प्रेडिक्ट मैच विनर देन क्रिएट टीम, पहले आपको मैच प्रेडिक्ट करना है कि मैच कैसा जाएगा, कि पावर प्ले में ऐसे विकेट जा सकते हैं, पावर प्ले में विकेट नहीं जा सकते हैं, डेथ में ये बॉलर आएंगे, इसको 2 ओवर मिलेंगे, इसको 4 ओवर मिलेंगे, तो ऐसे करके आपको सारी नॉलेज इकट्ठा करके आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको टीम बनाना है। तो इसलिए पहले मैच उन्हें प्रेडिक्ट कीजिए, उसके बाद टीम बनाइए। स्मॉल लीग की जो डिफॉल्ट एंड टॉप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस यहाँ पर रहने वाले देख लीजिए, बटलर है, फाफ डू प्लेसी है, देवदूत पाडिकल है, सैमसन है और मैक्सवेल है। तो यहाँ से इन 5 प्लेयर में से आपको
बाटलर तो यहाँ पर देखिए आप जब भी हम टीम बनाने जाएंगे वहाँ पर आपको शायद देखने को मिलेंगे 64% लोगों ने इनको कैप्टन बनाकर रखा है, और फाफ डुप्लेसी को भी आपको मिलेंगे 23+, क्योंकि देखिए जो प्लेयर्स टॉप फॉर्म पर है उनको ही लोगों ने कैप्टन बना रखा है। बाटलर को भी हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच में हमने जो किया था यहाँ पर बाटलर को वाइस कैप्टनसी दे दिया था, साथ में यहाँ पर एक टीम में हमारा जो था यहाँ पर सैमसन कैप्टन था, तो इसलिए हमारा टीम अच्छा नहीं चला। क्योंकि देखिए बाटलर को तो हर मैच में परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आएंगे ना, तो मेरे हिसाब से इस मैच में फ्लॉप भी जा सकते हैं। तो अगर आप गैनलिंग में 20 टीम बना रहे हो तो एक टीम में बाटलर को जरूर ड्रॉप करना और वहाँ पर उसकी जगह कोई दूसरे प्लेयर्स को जैसे कि हिटमेर हो गए आपके पास, सैमसन हो गए, उसको कैप्टन बना देना। गैनलिंग पिक्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर आपके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे अनुज रावत। अगर आपकी ये सोच में है कि बेंगलुरु की पहले विकेट नहीं जाएंगे और रावत अच्छा कर सकते तो आप रावत को गैनलिंग के टीम पर पिक कीजिए और उसको डायरेक्ट कैप्टन बना दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें दिनेश कार्तिक की, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। साथ में यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी है, हर एक प्लेयर के सामने इनका जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आरसीबी के अगेंस्ट हमने बात कर रहा है, यहाँ पर हेडमेयर की बात करें ये भी अच्छा कर सकता है 2 डाउन 3 डाउन आके। हर्षल पटेल डेज में बॉलिंग डालेंगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर हेजलवुड को भी अगर आप कैप्टन बना सकते हो तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हेजलवुड भी डेज में आएंगे अच्छे बॉलिंग कर सकते हैं। चलते हैं अभी डीमन की तरह, वहाँ पर हमने एक सेफ टीम बना के दिखाएंगे आपको, लेकिन फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलते हैं डीमन की तरफ। देखिए विकेट कीपिंग ऑप्शन में हमने दो प्लेयर को पिक किया है, जोश बटलर और साथ में संजू सैमसन। आप चाहे तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो अनुज रावत को पिक कीजिए, साथ में दिनेश कार्तिक को पिक कीजिए स्मॉल लीग पर, लेकिन फिलहाल हमारे टीम पर रहने वाले हैं बटलर और सैमसन। चलते हैं बैटिंग ऑप्शन पर, यहाँ पर हमारे टीम पर फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली है, पारिकल है। आप कोहली का यहाँ पर सिलेक्शन देखिए 47.24% से गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीम पर कोहली रहने वाला है, लेकिन क्योंकि मेरे हिसाब से कोहली इस मैच में अच्छा कर सकता है। हालांकि विराट कोहली का एक बात आपको और पता लगाना चाहिए कि लोएस्ट स्ट्राइक रेट है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, मतलब पूरे आईपीएल में जितने भी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला उनमें से राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट विराट कोहली का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 128, शायद उससे भी नीचे होगा 127 होगा। तो अभी चलते हैं ऑलराउंडर के ऑप्शन पर, यहाँ पर आप देखिए आप कोहली की जगह बिल्कुल यहाँ पर हेडमेयर को भी ले सकते हो, करुण नायर को भी ले सकते हो, लेकिन नायर थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन हेडमेयर आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ देखिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्टिन, शाहबाज अहमद, साथ में यहाँ पर रियान पोरक, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही जो बेस्ट पिक है वो है मैक्सवेल। इनको देखिए 90% लोगों ने इनको पिक किया, तो हमने भी हमारे टीम पर मैक्सवेल को पिक कर लिया है। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी है और वाइस कैप्टनसी के चॉइस भी बन सकते हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट प्रॉब्लम आपको आ सकता है, अगर आप चाहे तो हसरंग को पिक कर लें तो पिक कर नहीं पाएंगे। क्यों यहाँ पर देख लीजिए हमारे टीम पर है चाहल, हेजलवुड, हर्षल पटेल, ट्रेंट बोल्ट, और यहाँ पर हमारे 8 क्रेडिट पर एक प्लेयर को हमने पिक किया जो कि ओबेड मैको है। आप चाहे तो 8 में यहाँ पर मोहम्मद सिराज को भी पिक कर सकते हो, अगर आप 9 क्रेडिट की एक प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो जैसे कि हर्षल पटेल हो गए और हेजलवुड हो गए, इनको ड्रॉप कर रहे हो, तो तभी जाकर आप हसरंगा और प्रसिद्ध कृष्णा को अपने टीम पर ले सकते हो। तो चलते हैं फिलहाल यही हमारा टीम रहने वाला है। एक बार कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बता देता हूँ, देख लीजिए बटलर है फिलहाल हमारे टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल। आप चाहे तो यहाँ पर फाफ डुप्लेसी, देवदूत पारिकल, सैमसन इनके साथ एज ए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन पर जा सकते हो। चाहल भी आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर मैच में 1-2-3 लगातार विकेट निकल रहा है ये युजवेंद्र चाहल, तो आपके लिए ये भी आप अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सेव करके एक बार आपको टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए जोश बटलर हो गए, सैमसन हो गए, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, देवदूत पारिकल, ग्लेन मैक्सवेल, हेजलवुड, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चाहल, ओबेड मैको, ट्रेंट बोल्ट। तो आपको ग्रैंड लीग्स पर क्या करना चाहिए, देखिए ग्रैंड लीग्स पर आपको यहाँ पर कोहली को डायरेक्ट कैप्टन बनाना है, साथ में यहाँ पर आप सैमसन को ड्रॉप करके यहाँ से अनुज रावत को पिक कर सकते हो, नहीं तो बटलर को एक टीम में ड्रॉप करके यहाँ पर अनुज रावत और दिनेश कार्तिक को एक साथ पिक कर सकते हो, तभी जाकर आपको कोहली को ड्रॉप करके यहाँ पर हेडमेयर को आप ले पाएंगे। तो बॉलिंग सेक्शन की थोड़ा बात कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, ओबेड मैकॉय और हर्षल आपके लिए ग्रैंड लीग्स पर अच्छा कैप्टनसी की चॉइस रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये 9 विकेट के प्लेयर है और ये भी 9 विकेट के प्लेयर है, इनको अगर आप एक इनको इनमें से एक को आप अगर छोड़ दो तो वहाँ पर आप जाके प्रसिद्ध कृष्णा और हसरंगा को ले पाएंगे। तो इसलिए अगर आप थोड़ा ग्रैंड लीग्स पर लीग खेलना पसंद करते हो तो आप जाइए इनमें से कोई एक को छोड़ के यहाँ पर हसरंगा और प्रसिद्ध कृष्णा को पिक कीजिए, क्योंकि कृष्णा यहाँ पर पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, साथ में डेथ में भी 1-2 ओवर डाल सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। और हसरंगा की 4 ओवर तो पक्की है, तो आपके लिए बिल्कुल इस मैच में विकेट निकल कर दे सकते हैं अगर बेंगलुरु की पहले बॉलिंग आए तो। तो फ्रेंड्स ये रहेगा फिलहाल हमारे लिए डेमो टीम, फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अभी के अभी, और वहाँ पर आपको सारे क्रिकेट मैचेस के रिलेटेड न्यूज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई किसी मैच अगर अबंडन हो गए, किसी मैच में बारिश की चांसेस आए, तो हर तरह के न्यूज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे।
तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो और अपडेट्स आप तक पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा सा टीम बनाए और अच्छा सा विनिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट।